गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं हूँ जेजू, यह दिन मेरा सेकेंड यासू सुनाशक लिए आया था। यह कुछ बिना पड़े मंगाया है, क्या बिल घुमाया इसने 48,000 वोंग का, 3,000 रुपये का। लाया क्या ये, कुछ आम कटे हुए, बेरी जूस, ये राजमा, ये पता नहीं क्या है। अब भाई मंगा लिया तो खाना पड़ेगा। ये है अड़ंगा पूरा, खाते हैं अब क्या अड़ंगा सब बनाए। मैं साला आम है, लोकल आम है, 3,000 रुपये का। तो नीचे आइसक्रीम है, नीचे आइसक्रीम है इसका शायद। नीचे आइसक्रीम, ऊपर आम और थाली। मीठे राजमा चलो, मीठा बहुत खाते हैं, पता नहीं क्या भाई। गंदी वाली धूप, ओहो धूप भी ऐसी है ना। नानी दादी सब यार, पहले से इतनी गर्मी, फिर काली टी शर्ट और पहनाया तो यार तो करेला एक नीम चढ़ा वाला सीन हो गया। उमस भी बहुत ज़्यादा है आज तो, और यहाँ पे भी क्या रात को लगभग बारिश हो ही रहती है। ये क्या भैया थर्मोकोल, शायद बचाने के लिए हो गया था। क्या बना रहा है भाई पेंसिल से? अच्छा वही आर्ट। वैसे साउथ कोरिया के लोग हैं, यह भी बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। हुआ क्या कि जब मैंने बाइक ली थी, ये बाइक या वो साइकिल तो भी थी, तो मैंने 4 दिन के हिसाब से ली थी, लेकिन यार 2 दिन में परेशान हो गया, मतलब बोर हो गया, कुछ भी नहीं है यार। तो उसको मैंने फ़ोन किया ऑनर को और बोला कि यार मुझे बाइक वापस देनी है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो बोला क्या हुआ, तो बाइक में दिक्कत है तो बोलो, बाइक चेंज कर देता हूँ। मैंने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे बोर हो गया और कुछ प्रॉब्लम भी होगी मेरे को घर में, तो मुझे वापस जाना है। तो बोला खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप कल ली थी मैं सुबह, दोपहर में ली थी कल मैंने, और बोला कि आज अगर 11 बजे से पहले ले आते हो तो मैं 24 आवर्स का पैसा, मतलब 45,000 वोंग काट कर आपको जो बाकी जो पैसा है वो रिफंड कर दूंगा, ठीक है? साथ में वो कार्ड लेके आना जिसे पेमेंट किया था। तो अभी सुबह मैं पहुंचा, बंदा ठीक था यार, मतलब ऐसे कोई यहाँ पे उसके वो लाइनें नहीं आई कोई, जैसे कूल उस दिन था वैसे था सिंपल। उसने अपनी गाड़ी चेक करी पूरी, चार्जर और चाबी ले ली, और वो जो 170,000 वोंग का ट्रांजेक्शन था कार्ड से वो उसने कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास पैसे वापस आ गए और 24 घंटे का 43,000 वोंग काट लिए, और 2,300 रुपये काट लिए। मैं ईमानदार है। अच्छा फिर ऐसा भी हुआ, फिर सेम हुआ मेरे होटल में, मैंने वहाँ पर ही बोला कि यार 4 दिन की बुकिंग है, 2 दिन में जाना है मेरे को,
क्या हो गया, मैं क्या कुछ काम है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने दो दिन का पैसा ही काटा। तो ऐसा है, मतलब ईमानदार हैं। अगर अपने होटल वगैरह में इंडिया में होता ना, तो आने का पैसा वापस नहीं देते थे, वो कभी नहीं देते हैं, यहाँ दे देते हैं यार, लोग ईमानदार हैं यहाँ पे भी। पर यहाँ क्या सीन है ना, जिस चीज़ का पैसा लिया है ना, वो चीज़ आपको देंगे, बदमाशी नहीं करते ऐसे। तो ये तो अभी जो ई बाइक थी वापस दे दी यार, चल नहीं रही थी भाई, तो क्या पिछवाड़ा दूसरा धुआं लग गया। उसकी जो सीट थी ना इतनी हार्ड थी, और कुछ यार की आदत भी नहीं रही ना, तो पूरे बम्स धुआं लग गए। ये पूरा क्या है, ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ टापू है, ये जो पूरा है ज्वालामुखी वाला ही है। और यहाँ पे कई ज्वालामुखी ऐसे भी हैं जो अभी एक्टिव हैं, कुछ सालों पहले फटे हैं, और कुछ इनएक्टिव डोरमेंट जिसको बोलते हैं वो भी हैं, ब्लैक स्टोन्स। बच्चे मछलियां पकड़ रहे हैं। तो बस आज है मेरा जीजू, मैं आखिरी दिन ऐसे अब बोर हो गया यार, पानी पकड़ पानी में चलते हैं ना, जूते वूते खोल दूं। कोई जीजू में इसके अलावा कुछ करना कुछ है नहीं, दारू वारू पिता नहीं, नवा भी शौक है नहीं, तो जेजू मेरे लिए है नहीं। तो चलते हैं। हाँ टाइम हो गया तकरीबन 12 बज गए, नाश्ता कर लिया, चले पानी के अंदर, पानी के अंदर पानी पानी में पाँव भी लगाना तो बनता है। ओ ठंडा है, ठंडा है, ठंडा। आ गया पानी के बीच में, तो नहीं आया, थोड़ा सा आ गया, लेकिन क्योंकि मेरा ये स्लीपर्स स्लिप कर रहे हैं, स्लीपर्स स्लिप कर रहे हैं, तो गदरे से लेना नहीं है भाई, क्या टूट फूट गया तो कौन लेना आएगा घर से। ये बच्चे बच्चे बच्चियों की माँ मछलियाँ पकड़ रही हैं। है औसम, बस कल सुबह टी एयरवेज से सियोल
फिर सियोल हूँ मैं 2-3 दिन, और सियोल के बाद में वापस फिर दिल्ली, वही पाया हनोई। वाह, भाई धूप ने तंत ले ली है। हाँ, ये सबका में मेरा है दिन दूसरा। देख लो भाई जेजू है सुंदर। ये पता क्या ना, एक दिन दो दिन बाद मन नहीं लगता, बोर हो जाना, तो बहुत उसमें बोर हो जाता। कैसे मल्टी कलर में हो रखे हैं, देखें कभी काले बादल वाइट बादल मिक्स में। जब आगे बरसात आएगी अच्छा है, तो विशाली शांति तो मिले। ये जो इलाका पूरा एरिया ना, ये है सुवंगपू, मतलब सबसे ज़्यादा हैपनिंग एरिया यही है सुवंगपू। एयरपोर्ट से जस्ट अपोजिट साइड में है ये। ये पूरी लंबी वॉक है, लेकिन धूप में जाने की हिम्मत नहीं है, शाम को देखते हैं। तो यहाँ भी सब जो है ना सी लाइफ ही है मेन, क्योंकि चारों तरफ सी ही है, तो खाने में भी सी फूड और यही वाटर एक्टिविटी वगैरह यही मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, 2 दिन के लिए आओ ना, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। वो म्यूजियम व्यूजियम यार आदमी देख के बोर जाता है, एक म्यूजियम दिखेगा, 2 म्यूजियम दिखेगा, बाद बोलना चलना यार छोड़ना, एक ही चीज़ है। एयरपोर्ट लिमोजिन, ये आ गया मैं बस स्टैंड। एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ योमजी बोटेनिकल गार्डन, यहाँ बोर हो रहा था, मैं वहीं चलाते हैं, तो यहाँ से बस मिलेगी मुझे 600 नंबर, और बस स्टैंड हूँ मैं अभी, सुवंगपू हार्बर वाले से मिलेगी 600 नंबर बस। ये देखो भाई बस स्टॉप देखा, 600 चली पा हुआ है एयरपोर्ट लिमोजिन, बस का वेट करते हैं। प्रकाश सर्विस इसकी 15 से 20 मिनट के अंदर है, तो वेट ही करेंगे। हाँ, तो यहाँ से मिलेगी 600 नंबर बस। ये 600 नंबर बस पूरा मतलब जेजू के बाद चक्कर लगाती है, पूरा इस कोने से उस कोने में तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। अच्छा, और यहाँ एक बात और बता दूँ, यहाँ कहीं भी बस वगैरह में, जैसे दुबई वगैरह में ना, टिकट नहीं होती, आपको कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो वैसे अच्छा आप टी मनी कार्ड आपने लिया ही होगा सियोल के अंदर, तो आप वो यूज़ कर लेना। तो सियोल में दिक्कत बिल्कुल नहीं है टिकट रिचार्ज कराने की, एयरपोर्ट के अंदर हर स्टेशन के बाहर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, रिचार्ज टोपन वो मशीन लगी हुई है। लेकिन जैसे ही जीजू आओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ कन्वीनियंस स्टोर जो है ना, जैसे CU 7-Eleven, आप यहाँ चार्ज करा सकते हो, पैसा दो उनको। अच्छा, यहाँ चार्ज जो होगा ना वो सिर्फ कैश होगा, क्रेडिट कार्ड से चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ जीजू में तो CU के स्टोर बहुत है, नाइस टू CU, मैं दिखाऊँगा होगा अभी, तो CU लिखा होगा येलो कलर में, CU
तो वहाँ से आप टॉप अप करा लेना अपना, क्योंकि और यहाँ कोई भी वैसे नहीं है, टॉप अप मशीन नहीं लगी हुई कहीं पे भी। तो थोड़ा सा या सियोल से आप पैसे डलवा के लाओ तो ईजी रहेगा। आई जो है बस घर कौन से आइए, तो बस अब जाते हैं यूमो से। काला हो गया ना, क्या पहले काला था, अब थोड़ा काला हो गया। बस मिल गई, कोई भी नहीं है भाई, मास्क कवर हो रहा है, अलग उतरे जाते बिना मास्क के, मास्क लगा था, लगा लेता हूँ। और यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, उस पर दिखता रहेगा आराम से, आराम से। अब गई आधे पौने घंटे की, हाँ ये है लिमोजिन 600 नंबर बस। ये इसी बस से मैं आया था एयरपोर्ट से यहाँ, स्विमिंग पूल जो मेरा होटल है डेक पैकर्स होम, और इसी बस से अब जा रहा हूँ यूएमसी। बैलेंस का कल ही डलवा लिया था यहाँ से ही रहा, मतलब कभी दिक्कत आती दिखाता रहेगा। आया है इसके बाद क्या है, इंग्लिश में नहीं होती, कोरियन में होती है। ये पूरा मैप